तो कैसे हैं आप लोग, और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो भाई आज है संडे का दिन, और भाई अभी हो रहा है एक्चुअली 3:30 हो रहे शाम। आज तुम्हारा भाई देखो जाग तो जल्दी गया था, बट भाई मैंने सुबह जो कुछ शूट नहीं करा, नहा धो रहा था। एक्चुअली क्या भाई, मेरे को ना थोड़ी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके लिए मैं कल ना आपने स्किन हॉस्पिटल की 2-3 क्लिप देखी होंगी इससे पहले, वहां गया था तो मैं दवाई वगैरह लाया था, तो ना मेरी बॉडी पे थोड़ा रिएक्ट कर गया। वो जो स्विमिंग करते टाइम में स्विमिंग क्लोरीन होता है ना, वो क्लोरीन बॉडी से रिएक्ट कर गया, तो मेरे ना रैशेज हो गए हैं बॉडी पे, तो उसके लिए दवाई है ये। तो भाई इसका थोड़ा लंबा कोर्स चलेगा, तो ये लेके आया था मैं। बट आज अपन कहाँ जा रहे हैं, आज अपन जा रहे हैं पापा के साथ प्रैंक करने बहुत तगड़ा। तो भाई अभी क्या है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में जिमनी देख के आया था, और जिमनी में मैंने एक बात करी थी जो मेरे को बहुत एक तगड़ी स्ट्राइक करी कि भाई मैंने पूछा था कि मेरी वैगनआर एक्सचेंज में जा सकती है नहीं जा सकती, उन्होंने कहा जा सकती है। तो भाई आज संडे का दिन है और पापा हैं घर पे, मैं सोचूं वैगनआर लेके जाऊं, वहां पे एस्टिमेट लगाऊं, प्रॉपर वीडियो बनाऊं और पापा को भेज के डराऊं कि भाई आपकी गाड़ी में दे आया और नई जिमनी ले आया। तो अभी बस मम्मी तैयार हो रही है, तो गाड़ी लेते हैं और चलते हैं फटाफट जिमनी देखने, और आज टेस्ट राइड भी बोलिए तो टेस्ट राइड भी चला के आएंगे। तो भाई अपना खाना लग चुका है, अपन ने पनीर मटर के पुलाव बनवाया, थोड़ी सी मैकरोनी बनाई है, ज्यादा नहीं खाऊंगा 2 दिन के हिसाब से, मेरी थोड़ी खाऊंगा फ्रिज में रखूंगा फिर गर्म करूंगा थोड़ी खाऊंगा, ऐसे कर गया। डॉलर साहब बैठे हैं, धन्यवाद भाई, रख दो अपनी कोल्ड कॉफी भी आ गई है, तो खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले चल के डैडी से गाड़ी की चाबी लूं। डैडी गाड़ी की चाबी देना, ग्रीन पार्क से जाना बताऊंगा। चलो भाई अपन ने चाबी ले ली, अभी डैडी को कोई आइडिया नहीं है। तो भाई आजकल ना मौसम बहुत खराब चल रहा है, अभी बारिश का मौसम हो रहा है सब जगह। भाई ये देखो भाई सब जगह बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बनारस में साइक्लोन आ रखे हैं। अभी मैं देख रहा था एक लेडी फंस गई थी भाई, वो रोड पूरा झरना बन चुकी है और वो I-20 फंस गई थी, तो भाई बहुत लोगों ने मदद करके रेस्क्यू करा, तो बहुत ही खराब सीन है अभी कुछ दिनों का। तो और भाई मेरे को इसलिए टेंशन हो रही है क्योंकि अपन जा रहे हैं कुछ दिन में केदारनाथ, और केदारनाथ में भाई बारिश का आपको पता ही क्या सीन रहता है, तो देखते हैं भाई भगवान ने चाहा तो भाई से बोलना नहीं चाहिए बट सेफली कराएंगे। तो भाई आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा ठंडा ऑरेंज जूस पीते हुए जाने का, तो तुम्हारे भाई ने रियल को ऑरेंज जूस ले लिया। अब भाई मेरे को ना इसमें ना मेरे को ना इसमें गंदगी नहीं पसंद, तो मैं इसको छान के डालता हूँ, तो इसमें पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ डालते हैं मस्त। तो ये देखो ये हो गया है फुल, ठीक है। अब इसमें ना देखो थोड़ा कुछ रहता है रेसिड्यू सा, तो पता नहीं उसके रेशे होते हैं पता नहीं क्या होता है, मेरे को ये पसंद नहीं आती चीज़, इसलिए मैं छान के लेता हूँ। तो अपना ऑरेंज जूस देखो फुल भर गया, और इसको अपन डालते हैं यहाँ दोनों, और इसका ढक्कन लगाते हैं और चलते हैं इसे लेते हुए। अपन ने जूते पहन लिए, अपना ऑरेंज जूस ले लिया, मम्मी को ले लिया, आ जाओ। थोड़ा चाबी का इशू था भाई, मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं ना एक बार चाबी अपने पास हमेशा रखता हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है चाबी लाने की, तो मम्मी भूल गई थी मुझे, तो मम्मी वो चाबी दूसरी वाली रखने गई है। अपन उतरते हैं, डॉलर भाई साहब आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे, बाय बाय। मेरे पीछे पीछे उतर आया था, वापस छोड़ने आना पड़ा मेरे को। अंदर डॉलर बंदर करो ऐसे, बंदर अंदर जाओ। सुबह से साला मूसलाधार बारिश हो रही थी, मेरे उतरते गर्मी धूप निकल आई, किस्मत है ना मेरी किस्मत, मैं शायद पता नहीं किस चीज़ से लिखवा गया हूँ, बहुत ही खराब है। तो भाई ये देखो गाड़ी बिल्कुल धूप बारिश में सूख गई है, धुल के मतलब धुल के भी सूख गई है। भाई अपन आ गए नेक्सा, इसको लगाएं जरा और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। पीछे गार्ड अंकल बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया है भाई, जब भी मैं गाड़ी आता हूँ ना लगाने तो ये खुद ही कहते हैं यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्सा में काम करके निकल जाना। तो भाई काफ़ी अच्छे लगे हैं गार्ड अंकल, काफ़ी अच्छे लगे हैं ना, जब भी यहाँ पे पार्किंग लेते हैं लोग, यहाँ पे क्या है एक्चुअली लोग रेजिडेंशियल एरिया तो उनके घर की पार्किंग लगती है, बट मैंने उन्हें बोला कि भाई नेक्सा तक जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं। खबरी हो रही है हमने कौन सी की, तो भाई अपने साथ 2 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं नेक्सा के, उन्हें मैं अपनी गाड़ी दिखा दूँ और एक बार इवैल्यूएशन ले लेता हूँ कितनी पड़ रही है, अगर बना अपना सीन तो इसको आज यहीं छोड़ के और अपनी जिमनी डन करा लेंगे, और नहीं बना तो फिर देखते हैं क्या सीन करें, क्योंकि आज के टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है जिमनी की, तो मेरा बड़ा मन है टेस्ट राइड लेके एक भाई देख लूँ फील कैसे गाड़ी की, तभी देने का फ़ायदा है, वरना तो इसी को रोंदेंगे। और गया ये लो भाई साहब, वैल्यू अच्छी लगा दोगे भाई, 4-5 लाख की उठा लो है। सिर्फ यही छोटी गाड़ी रह गई है घर में, बाकी तो सारी बड़ी बड़ी है, इसीलिए तो छोटी लेगा नहीं। वो टियागो तो यार हमने नहीं लिया ना, ये तो पुरानी है तो इसको निकाल देंगे, कम से कम वो डेली में चलेगी, 1.5 लाख चल गई है। भाई चेकिंग कैसे हो गया देखो, बस थोड़ी बहुत गाड़ी रगड़ी पड़ी है, आई होप उसके पैसे कम ना हो।
कंडीशन तो बहुत ही गंदी है, गंदी है गाड़ी, खराब नहीं है गाड़ी तो भाई डैडी ने डिक्लाइन कर दिया, बट कोई नहीं, डैडी को ये वीडियो भेज दूंगा। हाँ जी, क्या हो रहा है आपकी गाड़ी में? आपकी गाड़ी बेच दी डैडी मैंने। ओ मम्मी, डैडी तो नाराज हो रहे हैं, क्या हो गया? आपकी गाड़ी बेच दिया मैंने, यहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू लग रही है 3 लाख रुपए है ना, जमीन के लिए बुक करा इसकी आरसी दिखा। देखो आरसी, क्या हो गया? भाई डैडी इतना बताने में गुस्सा हो गया, मेरी गाड़ी कहाँ ले गए? वो मैं घर जाके धप्पा करूंगा ना। तो भाई अपना यहाँ पे पोपट हो गया है। यहाँ पे क्या था कि भाई इन्होंने भी कहा कि वैल्यू ना आपको फोन करके बता देंगे, और जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको अभी के लिए वैलिड होगी। अगर आप 3 महीने बाद आओगे, अभी सोच के बैठो कि भाई अभी वेटिंग ज़्यादा है, 3 महीने में गाड़ी चला लूँ, तो 3 महीने बाद इसके जो रेट गिरेंगे ना, वो रेट गिरे हुए रेटों पर ही जाएगी, अभी के कुछ भी वैल्यूएशन पर जाएगी नहीं। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि भाई इसकी ना 24 हफ्ते की वेटिंग है, और जब ये गाड़ी टेस्ट राइड पर नहीं आ रही तो मैं क्या उम्मीद करूँ कि भाई ये मेरे को डिलीवरी कब तक देंगे? तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ अब लें ना लें, क्योंकि भाई 6 महीने बिना एक गाड़ी के रहना इज अ टास्क। बाकी देखते हैं भाई, अभी डैडी, अभी पर डैडी को इसका कोई आइडिया नहीं है, तो अपन गाड़ियों में बैठते हैं और मैं बोलता हूँ डैडी, अभी आपको उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया था ना, तो उसका ये हुआ है कि मैंने 4 लाख रुपये में आपकी गाड़ी बेच दी है और मैं यहाँ छोड़ के आ रहा हूँ। अब जब नई गाड़ी आएगी ना, वो चलाना, और किस्त भी आप ही भरोगे तो गालियाँ पड़ने वाली है दबा के, तो गाड़ियाँ बैठते हैं मस्ती काटेंगे। तो भाई अभी अपन मिलाते हैं डैडी को फ़ोन, डैडी को कोई आइडिया नहीं है कि डैडी गाड़ी बिकी नहीं बिकी, अब मैं डैडी को जरा कॉल मिलाऊँ। हेलो, हाँ जी, कॉल किया था क्या तुमने? हाँ अभी कॉल किया था ना, देगा नहीं, आपकी गाड़ी पे 2 बंदे चढ़े पड़े थे। हाँ अरे वो मैंने ना आपकी गाड़ी डैडी बेच दी, मैं ना नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। बकवास कर ही नहीं रहा मैं, सही में बेच दी 4 लाख। सुनो, 4 लाख रुपये वैल्यूएशन लगी है, और 6 महीने बाद नई गाड़ी आएगी, जिसकी किस्त भरोगे आप, ठीक है? मैं नहीं भरूंगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सुनो, मैंने आपकी गाड़ी कर दिया खड़ी, आपकी गाड़ी कर दिया खड़ी, और मैं आ रहा हूँ मस्त ऑटो से अब, ठीक है? मैं वही आ रहा हूँ। डैडी ने तो फोन काट दिया यार, शिट, क्या होगा? देखो कितनी थारे चल गई हैं दिल्ली में भाई, कितनी बिक रही है, चार तीन थार की एक साथ डिलीवरी हो रही है, बत्ती सारी बिक रही है। A few moments later. तो भाई मैं घर आ गया हूँ, और मैंने ना डैडी की गाड़ी दूर खड़ी कर आया हूँ, इतनी दूर की भाई मैं स्कूटी से किसी की बैठ के आया हूँ। अभी क्या है, घर जाके डैडी को डराते हैं, उसके बाद डैडी को भागेंगे, जब डैडी को सरप्राइज करेंगे, गाड़ी पास ही है, स्कूटी से आके ले आएंगे, है ना? चले चलो 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 चलो। तो भाई डैडी अभी घर आए हैं, डैडी बाहर थे, तो भाई डैडी को जाके बताते हैं कि गाड़ी नहीं है। डैडी क्या हो रहा है, पूजा कर रहे थे क्या? भाई पूजा क्या करोगे, गाड़ी तो मैं बेचा है आपकी, बकवास कर ही नहीं रहा, देख लो मेरे पे है ही नहीं चाबी, दिमाग मत खराब, अरे देख लो आप जाके, है ही नहीं मेरे पे, कान में मार दूंगा तेरे, है ही नहीं, कर लो, 6 महीने में आएगी, अब क्यों आएगी, 6 महीने में आएगी, क्यों आएगी, 6 महीने में आएगी, जाके देख लो, है ही नहीं गाड़ी, कहीं भी नहीं है, ठीक है? देखते रहो, मैं जा रहा हूँ, चलो कहाँ जा रहा है, मैं पहले गाड़ी देख के आता हूँ, देखो है ही नहीं गाड़ी, चाबी देता नहीं कभी भी, जाओ, है ही नहीं गाड़ी। डैडी, तो भाई डैडी उतर गए, डैडी के फटाफट पीछे चलते हैं और डैडी को गाड़ी से सरप्राइज करते हैं। देखो देखो नीचे उतर गए, नीचे उतर गए, A few moments later. डैडी गाड़ी दे दिया भाई, प्रैंक बहुत गोन रॉन्ग हुआ था भाई, पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे भाई, रोड में पकड़ के लाया मुझे ऐसे, और मेरे तो रैप्टे रुकते ही बच गया, तुम लोगों को क्या बताऊँ, घर चल के बताता हूँ भाई। भाई मैं घर आगे नीचे आइसक्रीम खाने आया था, भाई पेड़ गिरा पड़ा है। The next day. लोग ये है नेक्स्ट डे, और भाई कल रात को मैं ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि भाई घर में थोड़ा सीन खराब था, और भाई मैं आपको बताऊँ कल मेरे साथ क्या हुआ, भाई तुम लोगों की बातें सुन के मैं कर तो देता हूँ प्रैंक करने की, पता नहीं क्यों बेवकूफ़ करते हैं भाई। जैसे ही पापा उतरे, पापा के पीछे भागा, मैंने पापा को पकड़ा, मैंने कि पापा कहाँ भाग रहे हो, पापा भाग रहे हो, गलियों में भाग रहे थे, तो पकड़ा, तो कहते हो तू बहुत बदतमीज़ है ये वो, भाई मेरे में पड़ गया एक रैप्टा, तो मैंने भाई मेरी तो भाई वही, तो मैंने कहा अरे गाड़ी नहीं बेची यार आपको, चलो बैठा के गाड़ी तक ले चलता हूँ, पापा बहुत गुस्से में। तो भाई मैं कैमरा उठाने में मेरी वैसे ही नहीं हिम्मत हुई, और उसके बाद जब गाड़ी मैंने दे दी तब मैंने थोड़ा सा कैमरा उठाया, उसके बाद घर आके मैंने उठाया नहीं,
तो भाई बहुत कई सीन हो गया तुम लोगों के लिए, रैप्ट ही पड़ रहा है मेरे को। और बस यार ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, फटाफट जाके फॉलो कर लो मेरी लाइफ के अर्ली अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, पिटवा तो तुमने दिया ही, टिल देन बाय बाय।